الصبح بدا من طالعته والليل تجمع و बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है जी हमारी सिक्स्थ सहरी और अभी मैं किचन में आ गई हूँ। अच्छा, ये मेरी रूटीन होती है कि जब भी मैं उठ के आती हूँ सहरी में, तो सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ 2 गिलास और कभी कभी 3 गिलास भी पीती हूँ। मतलब पानी ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन हर एक को अपनी बॉडी की नीड का पता होता है, तो उस हिसाब से फिर पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको पूरा करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए पहले मैं पीती हूँ, फिर सहरी बना रही होती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस तरह 2-2 गिलास का मतलब टारगेट रखा होता है कि पानी मैंने पीना है। अच्छा, तो ये हो गई पानी की बात। और यहाँ पर आज सबसे पहले जो है ना, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं है। सबसे पहले मैं पराठे बना रही हूँ यहाँ पर, यानी कि पराठों के साथ खाने के लिए अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने सोचा कि पहले मैं पराठे स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि आज जो मैं बना रही हूँ मिनिमन टर्किश ऑमलेट, उसको मैं लास्ट में बनाऊंगी, ताकि वो जो है ना, वो उसी तरह से गरम गरम और आखिर में उसको मुझे दोबारा गरम ना करना पड़े और उसी तरह से मैं सर्व कर लूँ उसको। तो यहाँ पर अभी जो है, मैं पहले ये सारे पेड़े बना कर रखूंगी पराठों के, और ये आटा जो है अभी सॉफ्ट है, मतलब फ्रेश है, तो ये बड़े मजे के इसके जो है ना, आसानी से इसके पेड़े बन रहे हैं। अगर आटा सख्त हो तो फिर बहुत मुश्किल होती है उसको पेड़ा बना के, उसको बेलने में बड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट आटा इस वक्त पराठों के लिए, तो इसलिए मुझे फिर ये जल्दी जल्दी इस तरीके से मैंने पेड़े बना लिए। और मतलब इतना वो कोई उस तरह के अच्छे, ये भी क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ज्यादा लच्छे बलदार पराठे वो वाले नहीं है, लेकिन अब ये इस तरह के रूटीन में बन रहे होते हैं तो बस ऐसे ये वाले ठीक है। तो ये देखें, फटाफट हमारे बन गए पराठे यहाँ पर। और अब इसके बाद जो है ना, मैंने पहले चाय रखी है, अब मैं बना रही हूँ ये टर्किश ऑमलेट। और प्याज इसमें ऑप्शनल होता है, डालें तो ठीक है, ना डालें तो ना डालें। और ये बनता जो है ना, ऑलिव ऑयल के अंदर है। अब मेरे पास ऑलिव ऑयल भी है, बटर भी है, लेकिन मैंने इसको आज देसी घी में बनाना है। आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस तरह खा रहे हैं, कौन सा हम अपने हिसाब से बना रहे हैं, बस थोड़ा सा ट्विस्ट ले आते हैं हर चीज में, बेशक वो जहां की मर्जी हो। तो मैं ये देसी घी में बना रही हूँ, और यहाँ पर मैंने ये बड़े स्पून है, वो जो डोंगे वाली चम्मच होती है ना, वो मैंने 4-5 डाल दी है इसके अंदर देसी घी के। फिर प्याज एक स्मॉल साइज का मैंने डाल दिया है, और हरी मिर्चें ढेर सारी इसमें जाती हैं, या तो आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं और हरी मिर्चें भी, वो जो वो स्पाइसी ना हो वो डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बस इसको थोड़ा सा जो है, इनको फ्राई करना है, कलर कोई नहीं चेंज करना। टमाटर इसमें ढेर सारे जाते हैं, और यहाँ पर ना मैंने भी 4 अदद टमाटर ले लिए थे, उनको इस तरीके से बिल्कुल बारीक मैं चॉप कर लूंगी, छिलका उतार लिया था, ताकि ये स्मूथ सी अच्छी सी जो इसका पेस्ट होता है ना, वो फाइन सा बने, छिलके बीच में ना हो। तो बस ये देखा आपने, कलर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं प्याज का चेंज किया, और ये टमाटर डाल दिए। ये जो होता है ऑमलेट, टमाटरों के साथ ही ज्यादा बनता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऑमलेट वैसे भी हम बनाते रहते हैं, टर्किश हो या जहां का मर्जी, वैसे अपने हिसाब से टमाटर और अंडे का ऑमलेट बहुत सारी पहली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, इसके अंदर ये जो कुटी हुई लाल मिर्च है वो जाती है, और कुटी हुई काली मिर्च वो मैंने डाल दी है, अंदाजे से ही जितनी मैं क्वांटिटी बना रही हूँ उसमें मैंने 1/2 टीस्पून के जितनी डाली होंगी। फिर नमक भी डाल दिया था इसी तरह से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और यहाँ पर इसके अंदर एक और चीज मैं डाल रही हूँ, पेपरिका, ठीक है, ये थोड़ा कलर के लिए प्यारा सा इसका कलर, टमाटरों की वजह से भी एक रेड रेड आता है, पेपरिका मैंने डाला है 1/2 टीस्पून।
और इसके अंदर अभी मैं डाल रही हूँ चीज, एक टर्किश चीज होती है, लेकिन हमारे पास चूंकि अभी वो नहीं है तो मैं तो ये जो पिज्जा चीज है ना, इस मोजरेला और चेडर मिक्स हुई हुई, मैं वो यहाँ पर मैंने डाली है 2 से 3 टेबल स्पून, और बस मिक्स करके, और ये अब मैं अंडे, देसी अंडे मैंने स्पेशली मंगवाए थे, देसी अंडों का बनाऊंगी। तो ये देसी अंडे भी इतने छोटे छोटे से हैं पता नहीं, और यहाँ पे तकरीबन मैंने 5-6 डाले, और हल्का सा चम्मच से बस इनको ना थोड़ा सा तोड़ देना है, और फिर थोड़ा सा ढांप के पकाना है, और जब अंडे पक जाएंगे तो ऊपर फिर से मैंने चीज ढेर सारी डाल दी है, और फिर इसको थोड़ा सा ढक्कन लगाऊंगी चीज को मेल्ट होने के लिए। लेकिन यहाँ पर अभी ये लाल मिर्च मटी थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए मैंने डालना भूल गई तो दोबारा से डाल दी। अब ये देखिए मैंने आखिर पे इसलिए बनाया था कि अब सब आ गए, सबको मैं सर्व कर रही हूँ, और ये चीज मेल्ट हुई और मजेदार सा गरम गरम ये हमारा जो है ना टर्किश ऑमलेट से खाने का फिर अपना ही मजा है, गरम गरम आप सर्व कर रहे हैं और चीज की ये जो स्ट्रिंग्स बन रहे हैं, तो ये तो वैसे ही बच्चे देख के ना खुश हो जाते हैं कि चीज चीज वाली चीजें इस तरह की देख के। तो बस यहाँ पर मैं सबको ये सर्व करूंगी, और मैं आज की जो मेरी सहरी थी वो तो मैं जो रात को मैंने बनाई थी मीठी दही फुल्कियां, मैंने वही खाया है सहरी में, और बस चाय पी थी, और बस चाय शाय पीने के बाद जो है मैं अपने मल्टीविटामिन जो है वो लाजमी लेती हूँ सहरी में ही, और उसके बाद जब तक अजान होने तक फिर ये होता है कि कोशिश होती है कि एक से पारा एक आध पढ़ लिया जाए, फिर अजान हो जाती है, फिर नमाज पढ़ने के बाद फिर तो नींद जो है ना ऐसी आ रही होती है, क्योंकि सारी रात एक तो वो सोना है नहीं हो रहा होता, तो फिर सहरी करने के बाद नमाज वगैरह पढ़ने के बाद, लेकिन होता यह कि बार बार उठना उसके बाद भी पड़ता है क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, ऑफिस जाने वालों ने ऑफिस जाना होता है, तो फिर सो तो नहीं सकते। مولايا صلي وسلم دائما